आज की कहानी है लोमड़ी और हिरन की दोस्ती। सुंदर वन के घने जंगलों में एक चलाक लोमड़ी रहती थी, लेकिन उसी जंगल के सभी जानवर उस लोमड़ी से अक्सर दूर ही रहते थे, क्योंकि वह लोमड़ी बड़ी ही धूर्त और चलाक थी। लेकिन उसी जंगल में ही रहने वाले एक खूबसूरत हिरन से उस लोमड़ी ने अच्छी खासी दोस्ती करके रखी थी। दोनों अक्सर साथ साथ समय बिताया करते थे। वे अक्सर बातें करते, साथ में खेलते और ढेर सारी मस्ती किया करते थे। हिरन को लोमड़ी की दोस्ती पर बड़ा भरोसा था, क्योंकि उसके मांसाहारी होने पर भी उसने उससे दोस्ती की थी। हालांकि जंगल के अन्य जानवर उस हिरन को लोमड़ी से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन हिरन को तो बहुत भरोसा था कि दोस्ती की खातिर लोमड़ी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा शेर जंगल में आया। शिकार की तलाश करते हुए वह नदी किनारे पहुंच गया। तभी नदी के दूसरे किनारे पर उस बूढ़े शेर को वह हिरन नजर आया, जो लोमड़ी के साथ वहीं खेल रहा था। अब हिरन को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और वह उसका मांस खाने की योजना बनाने लगा। शेर मन ही मन सोचने लगा कि अब उसमें पहले जैसी फुर्ती तो नहीं रह गई है कि मैं हिरन को भागकर तुरंत पकड़ लूं। अब शेर ने बहुत सोच विचार किया और अंत में लोमड़ी को अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन उसने लोमड़ी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि लोमड़ी बहन, क्या तुम मेरी सहायक बनोगी? वैसे भी इस जंगल में तुमसे कोई बात तो करता नहीं है, क्योंकि तुम शिकार करती हो, तुम मांसाहारी हो। शेर ने कहा, देखो लोमड़ी बहन, तुम्हारा काम यह होगा कि तुम जंगल के जानवरों को बहला फुसला कर मेरे पास लाना। तुम गुफा के अंदर रहते ही मैं उनका शिकार कर लूंगा। बाद में हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। अब लोमड़ी को भी शेर का यह प्रस्ताव अच्छा लगा। लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार भी कर लिया। अगले दिन लोमड़ी ने अपना काम शुरू करना था। रात भर लोमड़ी यही सोचती रही कि सबसे पहले मैं किस जानवरों को फुसलाकर शेर के पास ले जाऊं। किसी भी जानवरों को फुसलाना तो इतना आसान नहीं था। वैसे भी जंगल के सभी जानवर उस लोमड़ी को धूर्त समझते थे। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना हिरन से ही शुरुआत की जाए। उसे फुसलाना तो बहुत आसान है और वह मेरा दोस्त भी है। लेकिन हिरन और शेर की सारी बातें हाथी दादा ने पहले ही सुन ली थी और हाथी दादा ने यह बात हिरन को चुपके से पहले ही समझा दी थी कि तुम उस लोमड़ी से सावधान रहना। अगले दिन जब वह लोमड़ी हिरन के पास गई और उसे फुसला कर शेर की गुफा में जाने के लिए बोला और कहा कि हिरन भाई, शेर तुमसे दोस्ती करना चाहता है। तभी हिरन ने लोमड़ी से कहा, ठीक है, हम दोनों शेर की गुफा में दौड़ कर जाएंगे और जो आगे जाएगा वही शेर से दोस्ती सबसे पहले करेगा। अब लोमड़ी ने सोचा कि अब ये हिरन ने ये क्या शर्त रख दी। लेकिन लोमड़ी तैयार हो गई, बोली, चलो भाई रेस शुरू करते हैं। लोमड़ी और हिरन दोनों दौड़ते हुए जैसे ही शेर की गुफा के पास पहुंचते हैं, वैसे ही हिरन अपने आप को रोक लेता है। लेकिन लोमड़ी दौड़ते हुए शेर की गुफा में घुस जाती है और जैसे ही लोमड़ी अंदर पहुंचती है, शेर ने सोचा कि चलो शिकार आ गया है, और शेर तुरंत लोमड़ी को झपट्टा मारकर दबोच लेता है और उसे तुरंत मारकर पूरा मांस खा लेता है। हिरन यह सब देखकर तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचाता है और जंगल में आ जाता है। हिरन ने हाथी दादा को भी धन्यवाद दिया और कहा कि हाथी दादा, आपके कारण ही आज मैं जीवित बच पाया हूँ। आगे से मैं आपकी बातों का पूरा ध्यान रखूँगा।
तो दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी हम उसमें खुद गिर जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर ऐसी कहानियाँ लाते रहते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।